हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुषमा धस्माना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी, जो कि डेली यूज में बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेम्पटिंग होता है। तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी जरूर से ट्राई करनी चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए झटपट शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे चार मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और हमें अभी इसे भूनना है अच्छी तरह से, और ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे सेम फ्लेम पे। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए और बीच बीच में अपने हाथों को रेस्ट देते हुए हम भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए, प्याज हमारा आधा भून चुका है। तो यहाँ पर मैंने अब एक अदरक का टुकड़ा, कुछ लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्ची और चार हरी इलायची ली है। इन्हें मिक्सी में पीस कर अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट हम डाल देंगे प्याज में और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी हमें ये इसे दोबारा भूनना है, जब तक कि अदरक लहसुन और प्याज हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ना भून जाए, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा यहाँ पर भुन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर तीन टमाटर को बारीक कट कर लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस इसे थोड़ा सा चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। तो डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, मसाले हमारे नीचे लगेंगे नहीं। और अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल ना रिलीज़ होने लग जाए। और जैसे ही इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे एक या डेढ़ चम्मच के करीब सॉस। और डोंट वरी, सॉस डालने से आपका पनीर बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मैं इसमें कोई भी मसाले यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, मसाले हमारे कितनी अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। तो यहाँ पर मैं सफ़ल वाली मटर यूज़ कर रही हूँ, तो इन्हें मैंने बॉईल नहीं किया है। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करते हैं जो बाज़ार में मिलती हैं सर्दियों के मौसम में, तो उसे दो से तीन सीटी लगाकर पहले पका लें फिर इसमें डालें। लेकिन जो सफ़ल वाली मटर होती है वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे तीन मिनट तक हम कवर करके पका लेंगे। तो ये मटर जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम इसे कवर कर लेंगे तीन मिनट के लिए। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, मसाले भी हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, मटर मसाले में एकदम मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए, मटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको एक मटर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है मटर। तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने ट्राइंगल शेप में कट किया है। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे डाल के अच्छी तरह से। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं इसे हिलाना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी यूज़ कर रही हूँ, लगभग 100 ml के करीब। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी चाहिए, तरी चाहिए, तो आप थोड़ा सा और पानी इसमें डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज करें इसमें कितना पानी पड़ना है। और अब हम इसे कवर कर लेंगे और कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, मटर पनीर हमारा बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो बस अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम को कर लेंगे यहाँ पर बंद। तो देखिए कितना टेम्पटिंग मटर पनीर हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप मटर पनीर के शौकीन हैं तो ज़रूर से मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। इसे गार्निश कर लेंगे हरी धनिए से। तो है ना कितनी इजी रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक और नई सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। बाय बाय।